नमस्कार दोस्तों, एक बेहद ही बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें एक होटल से कपल के शव को बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने दोनों के शवों को पीएम करवाने के लिए अस्पताल में भिजवा दिया है। इस मामले में हर एंगल से जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों ने एक साल पहले ही लव मैरिज कर ली थी। यह पूरा मामला इंदौर जिले के भंवरकुआं इलाके में रिंग रोड स्थित प्राइम होटल से निकल कर आ रहा है। बताया जा रहा है कि राहुल वर्मा और नंदिनी नाम के दोनों कपल दो दिन पहले ही शनिवार को होटल नंबर रूम 306 में ठहरे हुए थे। सोमवार दोपहर कमरे से जब बदबू आने लगी है तो कर्मचारियों ने होटल मैनेजर को सूचना दी है और जिसके बाद दूसरे चाबी से लॉक खोलकर देखा तो इस पूरे घटना का पता चला और तुरंत ही पुलिस वालों को सूचना दे दी। पुलिस वालों ने मौके पर पहुंचने के बाद दोनों को तुरंत अस्पताल में पीएम के लिए भिजवा दिया गया है। प्रथम दृश्य में यह पूरा मामला दोनों के बीच विवाद या फिर युवती के किसी अन्य से अफेयर के मामले का चलता बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक इस पूरे मामले में कैसे, किस वजह से, किस घटना को अंजाम दिया है इसका यहाँ पर अभी तक पता नहीं चल पाया है और लगातार जाँच की जा रही है। राहुल वर्मा अमर पैलेस कॉलोनी का रहने वाला है। युवती का नाम नंदिनी है और वो कॉल सेंटर पर काम करते थे। शनिवार सुबह वह घर से विजयनगर जाने की बात कहकर निकले थे और उसके भाई ने जब राजीव गांधी चौराहे पर उसे छोड़ा है तो बस स्टॉप पर छोड़ा था। बताया जा रहा है कि इसके बाद कुछ नहीं पता चला है और अब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें।